नमस्कार, स्वागत है हमारे एक खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ माता साक्षात निवास करती हैं। माता यहाँ सुबह उठकर टहलती भी हैं और माता यहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई भी दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ माता अपनी रूपमयी दर्शन देती हैं। माता यहाँ मंदिर के बाहर भी घूमती हैं, साथ ही माता जंगल में भी घूमती हैं। ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही मंदिर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं हम आपको इस रहस्यमय मंदिर के बारे में और यहाँ के राज के बारे में। दोस्तों, हमारा भारत देश चमत्कार का देश कहलाता है। यहाँ पर अनेक दिव्य और बहुत ही चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हें दिव्य और चमत्कारी मंदिरों में अनेक चमत्कार एवं अद्भुत चीजें होती रहती हैं, जो भक्तों को हैरानी में डाल देती हैं। इन मंदिरों से कई भक्तों की आस्था भी जुड़ी है। ऐसा ही है हमारी माता रानी दुर्गा का मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में साक्षात माँ दुर्गा का निवास स्थान है और इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति से दुर्गा माता रात्रि के समय बाहर निकलती हैं और जंगलों में विचरण करने जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि करीब रात्रि के वक्त माता अपनी मूर्ति से बाहर निकलती हैं और अपने सिंह यानी शेर के साथ आसपास के जंगल का विचरण करती हैं। कई भक्तों ने तो यहाँ तक दावा भी किया है कि उन्होंने दिन के समय में भी माता को अपने सिंह यानी शेर के साथ सीढ़ियों में बैठा देखा है। मंदिर के सीढ़ी से उतरकर माता पास के ही जंगल में भ्रमण करती हैं और अक्सर उन्हें लोगों द्वारा उनके शेर के साथ देखा गया है। दोस्तों, मंदिर के पास ही एक कमल के फूलों का तालाब है। यहाँ पर माता कुछ समय बैठ अपना समय व्यतीत करती हैं और इसके बाद जैसे ही सुबह होती है माता पुनः अपने ही धाम यानी मंदिर के अंदर पुनः अंतर्ध्यान हो जाती है। दोस्तों, इस मंदिर की सीढ़ियां भी बेहद खास है और इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। अनेक दुर्गम स्थानों से होकर इस मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। रास्तों में अनेक मुश्किलें और गहरी खाइयां भी हैं, जो कि ये मंदिर जंगलों के बीचों बीच बसा है। इसके साथ ही यहाँ पर जंगली जानवरों का घूमना फिरना भी लगा रहता है, जो माता के दरबार तक पहुँचने के रास्ते को और भी दुर्गम बना देता है। परंतु अनेक भाग्यशाली भक्तों ने माता के इस मंदिर में प्रवेश किया है और मंदिर में माता के साक्षात दर्शन भी कई भक्तों ने पाए हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता रानी किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहती, परंतु कई किस्मत वाले जो माता के सच्चे भक्त हैं, वे इस मंदिर तक पहुँचे हैं और माता की उन्होंने दर्शन किए हैं। अन्यथा कई ऐसे भी भक्त आए हैं जिन्होंने इन सीढ़ियों द्वारा माता रानी के दरबार में पहुँचने का कई प्रयास तो किया, परंतु दुर्गम स्थान होने के कारण और मार्ग बहुत ही खराब होने के कारण पुनः वापस घर की तरफ लौट चले। दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है कि जिनको माता का बुलावा आता है वही माता के इस दुर्लभ दरबार के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी की कई भाग्यशाली भक्तों की माने तो उन्होंने कई बार माता को जंगलों में शेर के साथ विचरण करते हुए देखा है और उनके साक्षात दर्शन भी पाए हैं। हालांकि इस मंदिर के पुजारी और साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे कोई मामूली इंसान नहीं होते, बल्कि अमीर घरों से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं लोगों का कहना है कि माता रानी को उन्होंने मूर्ति के बाहर आकर विचरण करते हुए देखा है। यह मंदिर जिस स्थान पर बसा हुआ है वहाँ का नजारा तो और अद्भुत और दिव्य प्रतीत होता है। मंदिर के पास ही कमल से भरा तालाब और उसका सुगंधित खुशबू वाला वातावरण मन को मोह लेता है और इस मंदिर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको आसपास अनेक ऋषि दिखाई देंगे जो कई सालों से यहाँ तपस्या कर रहे थे।
क्योंकि ये स्थान बहुत ही शांत और तपस्या के लिए बिल्कुल अनुकूल है। बहुत से ऋषि मुनि और साधु यहाँ कई सालों से तपस्या करते चले आ रहे हैं। दरअसल वो यहाँ पर आते ही शांति की तलाश में है, ताकि वो शांतिमय तरीके से अपनी तपस्या को पूर्ण कर पाए। दोस्तों, आप भी माता रानी के यहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, माता का ये मंदिर रानी दुर्गा के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर छत्तीसगढ़ में बसा है। छत्तीसगढ़ में जैतुरगढ़ स्थान पर यहाँ माता का निवास स्थान है। दोस्तों, अगर आपको भी कभी भी भविष्य में इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकिएगा मत, मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।